हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। विशेष आज सुंदर एक शाम के बेला में फिर से प्रभु ने आपको और मुझे अवसर दिया है, मौका दिया है कि आज हम सब मिलकर परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति करें, परमेश्वर पिता के नाम की आराधना करें, परमेश्वर पिता के नाम को हम ऊंचा उठाएं, परमेश्वर पिता के नाम को हम धन्य कहें। क्योंकि वचन में लिखा है, मेरी प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, शरीर तो मेरे प्रियो दुर्बल है लेकिन आत्मा तैयार रहता है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम जैसा कि अपने वचन में परमेश्वर जो हमको बताता है, परमेश्वर जो सिखाता है, परमेश्वर जो हमको बताता है और सिखाता है, उसके अनुसार हम जो जीवन को जीते हैं उसमें हमको सीखने के लिए मिलता है। मेरे प्रिय भाई बहन, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने प्रभु आज आपकी ओर दृष्टि किया है, उनका मुँह कभी काला नहीं होने पाया कहा, वो कभी लज्जित नहीं हुए कहा, वो कभी निराश नहीं हुए कहा, वो कभी हताश नहीं हुए कहा। मेरे प्रभु, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, इस वक्त मैं दुआ करता हूँ, धन्यवाद के साथ मैं मांगता हूँ प्रभु, एक एक उन प्रिय लोगों के लिए, एक एक उन प्रिय बेटा बेटियों के लिए प्रभु, जो यहाँ पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान होते हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, मैं विश्वास करता हूँ, जिन्होंने प्रभु आज आपकी ओर दृष्टि किया है, उनका मुँह कभी काला नहीं होने पाए कहा, वो कभी लज्जित नहीं हुए कहा, वो कभी निराश नहीं हुए कहा। हालेलुया, अबलबा सबलबा बलबा सबलबा री खांदा रामा, यस 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 यस। ओ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, एक एक उन बेटा बेटियों को, एक एक उन भाई और बहनों को प्रभु, आज तेरे वचन का सामर्थ, आज तेरे वचन का सामर्थ उनके जीवन में कार्य करने लगे प्रभु जी। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने प्रभु आज आपकी ओर दृष्टि किया है, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया कहा, वो कभी लज्जित नहीं हुए कहा, यहोवा के डरवियों को किसी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगी कहा। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, यहोवा मेरे प्रिय भाई बहनों, यहोवा हमारा ऊंचा गढ़ है, यहोवा हमारा चट्टान है, यहोवा हमारा ढाल है, यहोवा हमारा चट्टान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई, सभी लोग इस समय प्रार्थना बैठ जाएं, सभी लोग प्रार्थना बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह से मांगो, प्रभु यीशु मसीह से मांगो, गड़गड़ाओ, रो, खटखटाओ। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मेरे बेटा मेरे बेटी मुझसे संगति करे, मुझसे बातचीत करे। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ यीशु पापा, मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु पापा मैं दुआ करता हूँ, ना तो बल से ना तो शक्ति से, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने बेटा बेटी इस समय प्रार्थना करे हैं, जितने बेटा बेटी, जितने भाई बहन इस समय प्रभु यीशु मसीह आपसे बातचीत करे हैं, आपसे मांगे हैं, आपके सम्मुख में गड़गड़ाए हैं, रोए हैं, पश्चाताप करे हैं, मेरे परमेश्वर होने दे प्रभु, होने दे प्रभु, पवित्र आत्मा छू ले प्रभु, पवित्र आत्मा टच कर, टच कर, टच कर। हालेलुया, 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 ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर तेरी आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु, तेरी आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु के नाम से चंगाई मिलने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलने पाए। परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य होने लगे प्रभु, होने लगे प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ एक एक बेटा बेटियों के जीवन में, एक एक भाई बहन के जीवन में प्रभु, ओ तेरा सामर्थ्य प्रभु, तेरा सामर्थ्य प्रभु, तेरा सामर्थ्य अभिषेक बहने लगे, अभिषेक बहने लगे। ओ री बा 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 री खांदा रामा, यस अबला बा सबला बा बला बा सबला बा। ओ महान महिमा परमेश्वर पिता मेरे प्रभु, ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर पिता आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा सभी बेटा बेटियों की जिंदगी में, ओ सभी बेटा बेटी परिवारों में, मैं विश्वास करता हूँ हर एक जन के जीवन को, हर एक जन के परिवारों को आज आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा हम इसी वक्त जलाकर राख करते हैं प्रभु जी। ओ होने दे पवित्र आत्मा, जितने बेटा बेटी, जितने भाई बहन, जितने ओ लड़का हो चाहे लड़की, स्त्री हो चाहे पुरुष, कोई भी क्यों ना हो, आज आपका वचन, आज आपका वचन उनके जीवन में काम करने पाए, वचन का सामर्थ्य आज आपके जीवन में काम करने पाएगा। मेरा प्रभु आज आपको, मेरे प्रभु बदल देगा, मेरा प्रभु आज आपको छू लेगा, मेरा प्रभु आज आपको टच करेगा। ओ इंद्रम ऑफ जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, मसीह यीशु के नाम से, मसीह यीशु के नाम से, परमेश्वर पिता के वचन के सामर्थ्य के द्वारा, ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर तेरी आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हर एक जन के जिंदगियों को प्रभु आज हम इसी वक्त प्रभु जी बदल देते हैं। हे परमेश्वर, आज कोई भी बेटा बेटी इधर उधर भटकने ना पाए, आज कोई भी बेटा बेटी इधर उधर भटकने ना पाए, ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से, परमेश्वर पिता के वचन के सामर्थ्य के द्वारा हर एक जन के जिंदगी में प्रभु उन्नति आने पाए, अंधकार की शक्तियां जल जाए यीशु मसीह के नाम से। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर तेरी आत्मा का सामर्थ्य इनके जीवन में काम करने पाए। ओ प्रभु तेरे अभिषेक बहने लगे प्रभु, ओ तेरा सामर्थ्य बहने लगे प्रभु जी। हे परमेश्वर टच, 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 टच,
टच 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 यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से कमाउन कमाउन कमाउन। ओ फायर इन द नेम ऑफ जीसस मेरे प्रभु, अंधकार की उन ताकतों को, अंधकार की उन शक्तियों को आज इसी वक्त में प्रभु विश्वास करता हूँ, ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन आज परमेश्वर पिता के वचन के सामर्थ्य के द्वारा हर एक उन बेटे बेटियों के जीवन से, हर एक उन भाई बहनों के जीवन से इसी वक्त प्रभु आपके वचन का सामर्थ्य इनके जीवन में काम करने पाए प्रभु जी। ओ री बा 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 री खांदा रा मा या सबला बा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ फायर इन द नेम ऑफ जीसस मेरे प्रभु विश्वास करता हूँ प्रभु, मैं प्रभु आज हर एक बेटा बेटियों के सम्मुख में, हर एक भाई बहनों के सम्मुख में प्रभु वो बीमारी का बंधन, वो श्राप का बंधन, वो समस्या का बंधन आज आपकी मेरे प्रभु सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा, चिंता मत कर। ओ हर एक समस्याओं का समाधान निकलेगा, जो समस्या आपके जीवन से जा नहीं रहा था आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा कि बेटा ये समय चिंता मत कर, ये समस्या का समाधान आज प्रभु निकालने वाला है, वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान निकालने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे, आज विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। आज हो सकता है आपके जीवन में दर्द है, हो सकता है आपके जीवन में समस्या है, कष्ट है, मुसीबत है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन मेरा प्रभु आज आपसे बात कर रहा है, मेरा प्रभु आज आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि बेटा तू चिंता मत कर, मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे समस्याओं का आज समाधान में निकालने वाला हूँ, तेरे सारे समस्याएं यीशु के नाम से आज निकलेगा। ओ तेरे समस्याएं आज यीशु मसीह के नाम से आपके शरीर को छोड़कर, आपके घर को, आपकी जिंदगी को, आपके जितने भी हम देखते हैं, ओ हम जीवन को आज हम इसी वक्त प्रभु आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा हम प्रभु आज इसी वक्त प्रभु आपके वचन का सामर्थ्य आज इसी वक्त प्रभु आपकी जिंदगी को छोड़कर बाहर रखने पाए पिता। हे परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि प्रभु कोई भी बेटे बेटी इधर उधर भटकने ना पाए, कोई भी भाई बहन, कोई भी लड़का हो चाहे लड़की, स्त्री हो चाहे पुरुष, कोई मेरे प्रभु आज यीशु के नाम से वो स्वर्ग से उन्नति को देखने पाए, ओ स्वर्ग से बड़े बदलाव को देखने पाए। परमेश्वर आपकी आशीष, परमेश्वर आपकी बरकत, आपकी सुरक्षा और रक्षा हर एक जन के जीवन में प्रभु काम करने पाए पिता। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर तेरी आत्मा का सामर्थ्य आपके जीवन में काम करने पाए, और हर एक जन प्रभु जी विश्वास के साथ मैं कहता हूँ उनके जीवन में, उनके परिवार में, हर एक जन के बेटा बेटियों के घर में परमेश्वर उन्नति को देने जा रहा है। परमेश्वर हर एक बेटा बेटियों के घर में वो समस्याओं का समाधान निकालने जा रहा है। ओ मेरे प्रिय भाई बहनों जहां भी जाओगे मेरे प्रिय भाई बहन आपके समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा। चिंता मत कर, प्रभु से प्रार्थना कर, समस्या आज तेरे जीवन से हटेगा, मुसीबत तेरे जीवन से दूर होगा। आज घबरा मत, प्रभु यीशु तुझे आज सहारा देगा, प्रभु यीशु तुझे सपोर्ट करेगा, परमेश्वर तेरी सहायता करेगा, परमेश्वर तेरी मदद करेगा, ओ ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ ना आज परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु आपको प्रभु आशीष, बरकत, सुरक्षा और रक्षा हर एक बेटे बेटियों साथ बनी रहने पाए पिता। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कोई भी बेटा बेटी आज उदास ना रहने पाए, कोई भी बेटा बेटी हताश ना रहने पाए, ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर तेरी आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा आज हर एक जन के जीवन में उन्नति आने लगी प्रभु जी, हर एक जन के जीवन में चमत्कार आने लगे, हर एक जन के जीवन में आशीष और बरकत आने लगे, ओ खुशियां आने लगी प्रभु। और मैं विश्वास करता हूँ कोई भी आज डरे नहीं, घबराए नहीं, लेकिन मैं प्रभु विश्वास करता हूँ हर एक हालातों से, हर एक परिस्थितियों से, हर एक दुखों से, हर एक दर्दों से, हर एक समस्याओं से, हर एक परेशानियों से मेरा प्रभु आज आपको बचाने वाला है। ओ मेरा प्रभु आज आपको बचाने वाला है, मेरा यीशु आज आपको बचाने वाला है। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगा, कोई भी चिंता नहीं होगा, कोई भी समस्या नहीं होगा, आज मेरे प्रभु समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। जिस प्रकार अब्राहम मेरे प्रभु जब प्रभु की जो है परीक्षा में पड़ गया था, तो मेरे प्रभु उसको समझ में नहीं आ रहा था, प्रभु ने मुझे अपने बेटे को बलिदान करने के लिए कहा तो है, लेकिन मेरे प्रिय भाई अब्राहम देखते हैं ओ उसके जीव प्रभु उस पर भरोसा रखा, प्रभु पर विश्वास किया, 5 मिनट प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने संगति किया, हम देखते हैं अद्भुत समस्या का समाधान निकला। और हम देखते हैं जिस प्रकार वेदी बनाया था उसी कटीली झाड़ी के साइड में मेरे प्रिय भाई ने एक मेढ़ा का बच्चा फंसा हुआ था मेरे प्रिय भाई, हम देखते हैं उसी को परमेश्वर ने जो है उस भेंट के लिए जो है बलि चढ़ाया। तो ठीक उसी प्रकार आपको भी मेरे प्रिय घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है, विशेषकर प्रभु यीशु मसीह आपके चारों तरफ ढाल और सुरक्षा बन के रहेगा, और जहां भी जाओगे मेरे प्रिय भाई आपकी समस्या का समाधान निकलेगा जरूर। ओ समस्या का समाधान जरूर निकलेगा, और हर क्षेत्र में उन्नति करने पाओगे, हर क्षेत्र में आज ताकत और बुद्धि परमेश्वर आपको देगा,
और जहां भी जाओगे आपका परमेश्वर आपको सपोर्ट करेगा, ओ ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर अद्भुत और भयंकर रीति से आपको बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है। ओ मैं विश्वास करता हूँ एक एक बेटा बेटियों के जीवन को आपने बदल दिया प्रभु, छुटकारा दिया प्रभु, मैं उसके कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर होने दे पिता अपनी आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा कोई भी बेटा बेटी आज प्रभु जी खाली हाथ ना जाने पाए तेरे भवन से, लेकिन हर एक जन का समस्या का समाधान यीशु के नाम से निकलने पाए, हर एक उन दुखों का, हर एक उन प्रॉब्लमों का, हर एक उन प्रभु जी ऐसी प्रभु चिंता का विषय का परेशानी, हर परेशानी का आज मेरे प्रिय इलाज मिलेगा परमेश्वर के घर में, हर मेरे प्रिय स्थिति से परमेश्वर आज आपको निकाले, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख में जब राजा दाऊद मेरे प्रिय गोलियात से लड़ने के लिए जाता है तो उन्होंने कहा कि हे गोलियात, मैं जो है आज तू जो है ढाल और बर्छी लेकर मुझसे लड़ने के लिए आता है, लेकिन मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से तुझे लड़ने के लिए आता हूँ। मेरे प्रिय भाई, अगर आप भी मेरे प्रिय परमेश्वर की ओर से लड़ने के लिए जाते हैं, परमेश्वर की ओर से समस्याओं का समाधान करते हैं, तो जरूर मेरे प्रिय आपकी समस्या का समाधान परमेश्वर आपके लिए करेगा और आपको नया जीवन देगा। मेरा प्रभु आपके साथ है, यीशु के नाम से आमेन आमेन आमेन।